spread of novel coronavirus disease can be stopped. If you are sneezing and have cough with fever, visit your nearest health clinic or center immediately. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111-2397-8046. Hello guys, welcome to Study Time with new informative video. Allahabad High Court ka जो रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम 12 जनवरी को हुआ था, उसकी रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है। संभवतः आप सभी ने चेक कर लिया होगा, अपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और यहाँ पर मैं वो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जिन क्वेश्चन पर चेंजेस हुए हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन हैं जिनको हाईकोर्ट ने माना है कि हाँ ये क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब इनका जो आंसर उसने अपनी पहले आंसर की निकाली थी उसमें रॉन्ग दिया हुआ था, और उन्होंने ये रिवाइज्ड आंसर की काफ़ी लंबे समय बाद निकाली और उसमें जो क्वेश्चन चेंज किए हैं वो 3 क्वेश्चन चेंज किए हैं। लगभग 7 क्वेश्चन के समथिंग लोगों ने फिल किए थे, बच्चों ने फिल किए थे। मैंने भी एक वीडियो में बताया था कि लगभग यही क्वेश्चन है जिनमें आप जो आपका क्वेश्चन है उनको फिल कर सकते हैं, जिनके आंसर रॉन्ग है तो उन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने केवल 3 क्वेश्चन ही ऐसे माने हैं कि हाँ उनमें आंसर चेंज हुआ है। तो वो ये जो 3 क्वेश्चन हैं वो ये हैं कि पहला जो है, व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इमेसिएटेड, इंग्लिश सेक्शन से लिया है। इसमें जो उन्होंने आंसर दिया था उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये आंसर नहीं है यहाँ पर, और उन्होंने इसको क्वेश्चन को गलत माना है और सभी को मार्क्स इसका मिलेगा। सेकेंड जो क्वेश्चन उन्होंने अपना आंसर जो दिया था वो गलत माना है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर उन्होंने आंसर की में दिया था उसको भी रिवाइज आंसर की में चेंज कर दिया है और एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये रॉन्ग है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो अगस्त 2019 में रूस ने जो निम्नलिखित में से किस ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा था, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर दिया ही नहीं था, सारे ऑप्शन गलत थे, तो उसने इसको भी एक्सेप्ट किया है। तो यही 3 क्वेश्चन थे जिसको हाईकोर्ट ने माना है कि हाँ इनमें चेंजेस करना है और नंबर मिलेगा। अब बात आती है कि नंबर किसको मिलेगा, तो देखिए यहाँ फ़ायदा उनको होने वाला है जिन्होंने इसका आंसर गलत दिया था, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं जो आंसर की में आंसर आया था और बच्चों ने वो आंसर सही दिया तो उनका तो पहले ही सही था, बट जिन्होंने बाद में आंसर दिया है या रॉन्ग आंसर दिया था उनको जो चेंज है तो उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे और आंसर की के अकॉर्डिंग बाकी सारा सेम वही रहने वाला है। इसका मतलब ये भी हुआ कि सभी को बराबर मार्क्स ही मिलेगा, आपने पहले सही किया था या गलत किया था। तो बस यही चेंजेस हुए हैं और कुछ नहीं हुआ। थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।